हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप हंड्रेड क्वेश्चन का पार्ट टू पार्ट वन इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वहाँ से जाकर आप देख लेना इन टॉप हंड्रेड क्वेश्चन में मैं पूरी रीजनिंग कवर करने वाला हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अगर आप चाहते हैं रीजनिंग की मैथ की और ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो आपको डेली मिलती रहे तो नीचे रेड कल के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर शेयर किया करें अपने दोस्तों को ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप पहला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से कथन क्या दिया गया है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए कथन क्या बोल रहा है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं तो इसलिए इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है तो कथन में ये बोला जा रहा है कि जो अंडे देता है वो ही पक्षी होता है तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष देखते हैं हम क्या निकलता है सभी पक्षी अंडे देते हैं तो ये पहले वाला राइट हो जाएगा क्यों राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला चमगादड़ अंडे नहीं देते तो इसलिए पक्षी नहीं है तो इसका मतलब पक्षी अंडे देते होंगे यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है तो सभी पक्षी अंडे देते हैं ये आपका पहले वाला राइट हो जाएगा ठीक है दूसरे वाला है केवल पक्षी अंडे देते हैं तो ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल वर्ड यू यूज कर लिया गया है केवल पक्षी अंडे देते हैं तो ये कहना गलत हो जाएगा यहाँ पे हम ये तो बोल सकते हैं कि सभी पक्षी अंडे देते हैं बट ये कहना कि केवल पक्षी अंडे देते हैं तो ये बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि कथन में केवल कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है पक्षियों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है दोबारा से पढ़ लेते हैं चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है इसका मतलब पक्षी होने के लिए अंडे देने जरूरी हैं बट ये कहना कि केवल पक्षी अंडे देते हैं ये रोंग हो जाएगा तो इसका मतलब निष्कर्ष पहले वाला राइट रहेगा दूसरे वाला रोंग हो जाएगा आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों इस टाइप के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ देखिए मिस मत करिएगा बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहे हैं कुछ मछलियां मगरमच्छ है कुछ मगरमच्छ सांप है कोई सांप कछुआ नहीं है सभी कछुए मेंढक में है सबसे पहले इसका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं कुछ मछलियां जो हैं वो मगरमच्छ हैं तो आप वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे आप सबसे पहले एक मछली का एक गोला बनाएंगे और यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ मछलियां मगरमच्छ हैं तो हल्का सा मछली वाले वेन डायग्राम में यानी गोले में कट लगाएंगे और मगरमच्छ वाले वेन डायग्राम को बना देंगे तो ये क्या शो कर रहा है कुछ मछलियाँ मगरमच्छ है इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है दूसरी लाइन पढ़ते हैं कुछ मगरमच्छ सांप है तो आप क्या करेंगे कुछ मगरमच्छ सांप है तो मगरमच्छ वाले में भी हल्का सा इस तरीके से कट लगाएंगे और सांप वाला वेंडाग्राम बना देंगे तो कुछ मगरमच्छ सांप हो गया है ठीक है अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है तीसरी लाइन में कोई सांप कछुआ नहीं है तो कोई जब किसी के बीच में नहीं वाली सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं उसे बिल्कुल अलग बनाते हैं तो कछुआ कोई कछुआ सांप नहीं है तो इसका मतलब कछुए वाला वेंडक अलग बनेगा और सांप से हटके बनेगा यानी कि इनके बीच में कोई दूरी है ना इनके बीच में कोई भी रिलेशन शो नहीं करना है लास्ट वाली लाइन में क्या बोला जा रहा है सभी कछुए मेंढक हैं तो भाई सभी कछुए मेंढक कब हो सकते हैं देखिए कछुए को पूरा का पूरा कवर करेगा मेंढक वाला वेन डायग्राम तो इस कंडीशन में सभी के सभी कछुए मेंढक हो जाएंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा वेन डायग्राम बन चुका है अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन के निष्कर्ष पर जाने से पहले देखिए यहाँ पर मछली और सांप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है बताया नहीं गया यानी कि इनके बीच में कोई भी बात नहीं बोली गई है कथन में तो इनके बीच में कुछ भी बोला जाए हम वो नहीं मानेंगे ऐसे ही यहाँ पे देखिए मेंढक और सांप के बीच में कोई बात नहीं बोली गई कछुए और सांप के बीच में बोली गई है तो मेंढक और सांप के बीच में अगर कुछ भी बोला जाता है वो भी हम नहीं मानेंगे इस तरीके से आपको कुछ सोचना है बाकी अभी मैं आपको निष्कर्ष के साथ साथ चीज़ें क्लियर करूँगा कोई सांप मेंढक नहीं है भाई कोई सांप मेंढक नहीं है सांप और मेंढक के बीच में मैंने आपको क्या बताया कि कुछ भी बोला जाए हमें नहीं मानना है कुछ भी चाहे नहीं बोला जाए चाहे है बोला जाए हमें क्या नजर आ रहा है इनके बीच में रिलेशन नहीं आ रहा है बट यहां पे क्वेश्चन में इनके इनके कथन में रिलेटेड सांप और मेंढक से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया है तो हमें भी कुछ नहीं बोलना है ठीक है ध्यान रखिएगा तो पहले वाला आपका रोंग हो जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए पूरा वेन डायग्राम पे भी हम नहीं जा सकते क्योंकि वेन डायग्राम में कुछ चीजें शो नहीं होती है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोली जाती है तो आपको निष्कर्ष में भी उनको शो नहीं करना है ठीक है तो कोई सांप मेंढक नहीं है यहां पे बोला है नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि नहीं है ना हम ये बोल सकते कि है ठीक है हम ये भी नहीं बोल सकते कि कोई सांप मेंढक है और यह भी नहीं बोल सकते कि कोई सांप मेंढक नहीं है क्योंकि सांप और मेंढक के रिलेशन में कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं गया है दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है कुछ मेंढक कछुए हैं तो कुछ मेंढक कछुए हैं देखिए यहां पे मेंढक कहां पे है और यहाँ पे कछुए कहां पे है ये है तो सारे के सारे कछुए जब मेंढक हैं तो कुछ मेंढक तो कछुए हो ही सकते हैं ना तो यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा दूसरे वाला आपका राइट रहेगा ठीक है तीसरा है कि कुछ मछलियां मेंढक हैं कुछ मछलियाँ मेंढक है देखिए मछलियां कहाँ पे हैं ये है मेंढक कहाँ पे ये तो इनके बीच में कोई रिलेशन बताया गया नहीं बताया गया तो इनको भी हम नहीं मानेंगे तो आपका सिर्फ केवल ऑप्शन सेकंड वाला ही राइट रहेगा ये भी गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों ये बताइए समझ में आया क्या अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ आपकी समझ में आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें आपको बताना है कि भिन्न कौन सा है ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है डी ऑप्शन भिन्न है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जैसे कि इसमें लग रहा है मेरे को देखिए डी ऑप्शन इसमें भिन्न होगा क्योंकि ए को भी हम किस तरीके से बना रहे हैं मतलब कुछ चीज़ों को कुछ डंडों को मिला के बना रहे हैं एफ़ को भी हम डंडों को मिला के बना रहे हैं के को भी बट डी एक आपका ऐसा है जिसमें कोई भी डंडा मतलब इस तरीके से मिला के नहीं एक बार रखा पूरा बन गया के में भी हम हाथ को उठा के बनाते हैं यानी कि के को ऐसे बनाते हैं एफ़ में भी हम ऐसे बनाते हैं ए में भी हम ऐसे बनाते हैं बट डी आपका पूरा ये बन जाता है हम ये भी चीजें बोल सकते हैं तो मतलब थोड़ा सा अजीब तो है भिन्न निकालना इसमें से बट इसमें ऑप्शन डी ही आपको भिन्न लगेगा किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से देख लीजिए ए एफ और के uh, एक सिमिलर हैं ठीक है थीके? तो आप देख लीजिएगा अगर आपको कोई सा और लगता है ऑप्शन तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर में भी जल्दी से बताइए कौन सा भिन्न होगा अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करूँ तो तीन और दो कितना होता है पाँच तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया पाँच चार और तीन कितना होता है सात तो यहाँ पे सात लिख दिया गया है एक और जीरो को प्लस करेंगे तो एक ही रहेगा ये भी आपका हो गया पर चार और दो कितना होता है छः बट यहाँ पे दो लिखा गया है इसका मतलब ये ही भिन्न हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों समझ में आ रहा है ना अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिएगा ठीक है, है? चलिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर डाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ठीक है फिर नेक्स्ट काम मेरा रहेगा कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा दूसरी तीसरी वीडियो में जैसे भी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे बोला जा रहा है अंग्रेज़ी वर्माला में आपके दाएं ओर से नौवे और बाएं ओर से छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंग्रेज़ी वर्माला के दाएं आ, से नौवे अक्षर कौन सा हो जाएगा आर और आ, छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा बाएं ओर से एफ हो जाएगा अब इनके बीच में जो अक्षर आए उनमें से आपका ठीक बीच में कौन सा है यानी कि जो इनके बीच में बच गए वो आपको बताना है देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ देखिए मैंने आपको बताया दिया कि दाएं से नोवा अक्षर कौन सा होगा आर दाएं से यानी कि दाए साइड ये होती है, है तो इससे नोवा अक्षर आर हो जाएगा और इधर से बाएं ओर से नोवा अक्षर एफ हो जाएगा अब इनके बीच में कौन कौन से अक्षर बच गए हैं वो लिख लेते हैं एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू यहाँ तक मतलब हमने पूरे बीच में ये बच गए ये हमने लिख लिए अब इनके बीच में कौन सा अक्सर आता है भाई देख लीजिए अब आप क्या करेंगे दोनों साइड से काउंट कर लेंगे वन इस तरीके से काटेंगे ठीक है इसको काटेंगे इसको काटेंगे बीच में क्या बचा एल तो आपका एल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा होगा आपको जैसे ही मैंने बताया बट इसको खुद ट्राई किया करें जब भी क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत सिंपल था आप उसे पहले ही ट्राई करके देख लिया करें क्योंकि आंसर जब आ जाता है उस टाइम पे इजी लगने लगती है चीज़ें ठीक है तो आप क्वेश्चन को ट्राई किया करें मैं इसमें बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगर आप खुद ट्राई करके देखते हैं ना अगर क्वेश्चन नहीं होता है और उसके बाद समझते हैं तो समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है अगर आप ट्राई नहीं करते हो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो वो चीज़ें रटने वाली हो जाती हैं बस आपने देख लिया कभी भी आप मैथ के क्वेश्चन को कभी देखिए और बस आपसे बहुत आसान लगेगा और उसी के बाद उसको ट्राई करिए तो वही उसमें चार पाँच चीज़ें आपको ऐसी लगेगी यार ये मैंने नहीं सीखी है ठीक है तो चीज़ों को समझा करें खुद ट्राई किया करें उसके बाद फिर समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला जा रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टू फोर सिक्स एट फाइव को थ्री थ्री सेवन सेवन सिक्स लिखा जाता है तो थ्री फाइव सेवन नाइन वन को उसी भाषा में लिखेंगे यानी कि क्या कोड करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है तो देखिए कैसे करना है इसमें प्लस वन माइनस वन, वन चल रहा है टू फोर सिक्स एट फाइव को क्या लिखा जा रहा है थ्री थ्री सेवन सेवन सिक्स तो कैसे लिखा गया ये ये देखिए टू में अगर मैं प्लस वन कर दूँ तो थ्री फोर में से माइनस वन कर दूँ थ्री सिक्स में प्लस सॉरी हाँ प्लस वन कर दूँ तो सेवन एट में से माइनस वन कर दूँ तो सेवन फाइव में प्लस वन कर दूँ तो सिक्स तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है तो आपको नेक्स्ट वाला भी वैसे ही बना देना है सबसे पहले प्लस वन करेंगे तो फोर हो जाएगा माइनस वन करेंगे तो फोर हो जाएगा प्लस वन कर देंगे एट हो जाएगा माइनस वन कर देंगे एट हो जाएगा फिर प्लस वन कर देंगे तो टू हो जाएगा तो ये आपका कोड बन गया फोर फोर एट एट टू आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है देखिए ट्राई करिए इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यदि किसी कोड भाषा में टोम को फोर्टी एट और डिस्क को ट्वेंटी सेवन लिखा जाता है हैरी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा देखिए ये आपको बताना है ट्राई करिए क्वेश्चन को तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोम को फोर्टी एट कैसे लिखा गया तो टोम को देखिए आपको पता होगा टी कौन से नंबर पर आता है ट्वेंटी पे देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ एल्फाबेट्स के नंबर याद कर लीजिए क्योंकि नंबर याद होंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि चुटकियों में हो जाएंगे अगर याद नहीं होंगे वही क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉम को फोर्टी एट कैसे बना दिया गया है टी आपका ट्वेंटी पे आता है ठीक है ओ आपका किस पे आता है फिफ्टीन पे आता है और एम आपका थर्टीन पे आता है अगर मैं फिफ्टीन थर्टीन और ट्वेंटी को प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा फोर्टी एट देख लीजिए जोड़ के तो फोर्टी एट इसको ऐसे लिखा गया वैसे डिस्को कैसे लिखा जाएगा डी आपका किस पे आता है फोर नंबर पे आता है ठीक है आई आपका किस पे आता है नाइन पे आता है सी आपका तीसरे नंबर पे आता है के आपका ग्यारहवें नंबर पे आता है इन सभी को प्लस करेंगे कितना होगा ट्वेंटी सेवन तो ये ट्वेंटी सेवन ऐसे बनाए वैसे आप हैरी को बना लेंगे देखिए एच आपका आठवें नंबर पर आता है ए आपका पहले नंबर पर आता है आर आपका किस पे ये आ जाता है आठवें नंबर पर अठारहवें नंबर पे ये आता है आठवें नंबर पे ठीक है ठीक है दोबारा से लिख तो देते आठ एक अट्ठारहवें नंबर पे और ये भी अट्ठारहवे पे और वाई आपका आता है पच्चीसवें नंबर पे तो देखिए एट प्लस वन प्लस एट्टीन प्लस एट्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव कितना होगा सेवनटी तो ये आपका सत्ता राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब मैं आपको ये क्वेश्चन लगातार कराता रहूँ अलग अलग उसमें तो इसका कोई इतना फायदा नहीं होगा अगर आप इससे आप खुद प्रैक्टिस करें कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएँ तो कैसे करना है एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ अगर आपको अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं ए से एम तक और एम के नीचे एन लिखिए और एन से फिर इधर को लिखिए जेड तक ठीक है यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर फिर एन से जेड तक पूरी एल ए बी सी डी लिखने के बाद में उन पर नंबर डाल लीजिए और इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए जब आप एग्जाम में बैठे हों और आपको जो रबसीट मिलती है उस रबसीट में आप तीस सेकंड में इस काम को कर लें अब तीस सेकंड में अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो आप जल्दी से देख लेंगे कि टी किस नंबर पर आता है ओ किस नंबर पर आता, आता है और एम किस नंबर पर आता है उन सभी को प्लस करके देखेंगे फोर्टी एट तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनके याद नहीं है या अभी टाइम नहीं बचा याद करने का ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर है यदि किसी भाषा में ओरल कैसे लिखा जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे बोलने पर एक बार एट को, वीडियो को पोज कर, पे और कर आंसर कि एट का आंसर क्या रहेगा और ये अपना नाम लिख के बताएगा कितने कि बच्चों ने इसका राइट आंसर किया है और मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या रहेगा ठीक है वीडियो को रोक लीजिए अगर आपको ट्राई करना है देखिए यहाँ पे ओरल को क्या लिखा गया है थ्री यानी कि ओरल ये है देखिए ओरल ये है और कोड इसका ये है अब इसके बीच में जो ये काम हुआ है इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये हुआ है इस ओरल के लिए कोड ये वाला बना है अब ये जो कोड बन के आया ये कैसे बन गया है वो आपका पंद्रहवें नंबर पर आता है पंद्रह को कैसे लिखा गया वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव की तो हो जाएगा सिक्स तो यहाँ पे सिक्स लिख दिया फिर यहाँ पे एट्टीन आ एट्टीन नंबर पे आर आता है वन प्लस एट किया गया तो नाइन हो जाएगा ए आपका पहले नंबर पे आता है एल आपका बारहवें नंबर पे आता है तो वन प्लस टू किया गया अब इनके नीचे यहाँ पे हमने लिख लिया सिक्स नाइन वन थ्री अभी भी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अब क्रॉस कोडिंग होगी आपकी यानी कि सिक्स आपका इधर सबसे लास्ट में चला जाएगा और थ्री सबसे पहले नंबर पर नाइन इधर आ जाएगा और वन इधर आ जाएगा उसके बाद आपका ये पूरा कोड बन के आया है आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और आपने ट्राई किया हो और जितने बच्चों ने भी इसको ट्राई करके आंसर दिया होगा तो बहुत अच्छा है यानी कि आपका जो रीजनिंग है उसमें आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे अगर आपका एग्जाम है अभी कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए रिटर्न को कैसे लिखा जाएगा अब W आता है आपका ट्वेंटी थ्री पे आर आता है एट्टीन पे नाइन पे आता है आपका सॉरी I आता है नाइन पे टी ट्वेंटी पे टी ट्वेंटी पे और E आपका आता है फाइव पे और N आता है आपका फोटीन पे ठीक है अब यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे टू प्लस थ्री ठीक है वन प्लस एट और नाइन यहाँ वैसे को वैसे टू प्लस जीरो टू प्लस जीरो तो ये आपका प्लस करने के बाद में यहाँ पे लिख देंगे ये सब कुछ ठीक है उसके बाद में हम करेंगे क्रॉस कोडिंग और क्रॉस कोडिंग कैसे करेंगे यानी कि जो पहले था वो सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे पहले और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा नाइन यहाँ पे आ जाएगा टू यहाँ पे ये टू बीच में वैसे का वैसे तो अब आपका कोड जो बन के आया रिटर्न के लिए वो ये बन के आया और यही आपका राइट right आंसर हो जाएगा फाइव फाइव डबल टू डबल नाइन और फाइव आपका राइट right आंसर हो जाएगा आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अगर समझ में आ गया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है तो लाइक कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन भी एक आपका मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है तो इसको ट्राई करिए और राइट right आंसर क्या रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा थ्री एफ सिक्स जी इलेवन आई एट्टीन एल इस तरीके से लिखा है नेक्स्ट आपको बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसमें सीरीज चल रही है देखिए इसमें जो है नंबर की अलग चल रही है और जो अल्फ़ाबेट है उसकी अलग चल रही है सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जैसे थ्री को यहाँ पे हमने सिक्स बनाया कैसे प्लस थ्री करके नेक्स्ट यहाँ पे फोर को छोड़ के यानी कि प्लस फाइव किया फिर प्लस फाइव करने के बाद में हम सिक्स को छोड़ के सेवन प्लस किया एट को छोड़ के प्लस नाइन करेंगे तो यहाँ पे प्लस नाइन करने के बाद में ट्वेंटी सेवन आ जाएगा एट्टीन में नाइन प्लस करेंगे ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन तो आपका इस तरीके से बनाया और अब करें अल्फाबेट की बात तो यहाँ पे प्लस वन किया गया सबसे पहले फिर प्लस टू किया गया है आई आ गया आई में प्लस थ्री करेंगे एल हो जाएगा और एल में प्लस फोर करेंगे तो पी हो जाएगा तो जो आपका सही राइट आंसर बन के आएगा वो ट्वेंटी सेवन पी हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आई होप कि आपने ये राइट आंसर लगाया होगा चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं समझ में आ गया ना ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टेन है आपका ये वाली सीरीज जो होती है अब इसको कैसे करना होता है मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ बट दोबारा से फिर बता देता हूँ सबसे पहले काउंट कर लीजिए इन सभी को जैसे वन जो खाली स्थान है उसको भी काउंट करिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये कितने हैं सिक्सटीन है, है यानी कि चार चौक सोलह चार चार के पेयर बन जाएंगे यहाँ चार ठीक है तो चार चार के पेयर बनेंगे किस तरीके से बनेंगे यहाँ पे ये एक पहला पेयर हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये हो जाए सॉरी दो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट पेयर ठीक है फिर नेक्स्ट पेयर ये हो जाएगा और आपका कोई एक मिस हो गया देखिए दो दो चार एक पेयर ये हो गया दो दो चार एक पेयर ये, ये हो गया दो और दो चार एक पेयर और एक लास्ट वाला पेयर ये चार चार के पेयर बन गए अब ये चार के पेयर बनाने का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से आपको देखना है एल एम के लिखा है लास्ट में तो यहाँ पे सभी में एल लगा दीजिए ये भी लास्ट में क्या हो जाएगा एल एम के एल एम के यहाँ पर भी अगर मैं लगाऊँ एल और यहाँ पे एम आ जाएगा तो एल एम के और यहाँ पे भी एल एम के तो लास्ट में एल एम के आ गया तो ये पूरा मुझे मिल गया के एल और एम के के एल एम के यहाँ पर आ जाएगा फिर एल एम के के एल एम के और यहाँ पे भी के एल एम के तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या क्या आपने लगाया ये हो जाएगा एल के एम और एल ये देख लीजिए किस में है तो अगर ये आपको मिल रहा है तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो एल के एम के यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों समझ में आया ना किस तरीके से मैंने किया सबसे पहले काउंट किए कि, कि, कितने के पेयर बनने है? चार चार के पेयर बन जाएंगे सोलह में ज्यादातर मतलब चांसेस यही रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं चार चार के पेयर चार चार के पेयर बनाने के बाद में भी बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी जैसे पूरी तीन चीजें आपको मिल गई कि तीन का तो एक पेयर हो गया था आप बाद में देखेंगे पहले तीन तीन के पेयर बना के चेक करिए कि दूसरे में भी तीन का पेयर सही बन रहा है बीच में अंतर है वो पचपन मीटर है पहली तथा पांचवी स्ट्रीट लाइट के मध्य कुल कितनी दूरी है ये आपको बतानी है भाई एक स्ट्रीट लाइट है इतनी है पांच स्ट्रीट लाइट लगाई गई है एक दो तीन चार पाँच ये पाँच स्ट्रीट लाइट होंगी एक के बीच में कितना ना कितना है पचपन पचपन मीटर का अंतर है ठीक है अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला तथा पाँचवीं स्ट्रीट लाइट के मध्य कुल कितनी दूरी है तो अब कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सा ये ही होता है कि अगर आपको पता है पचपन मीटर की दूरी हर एक के बीच में है तो पहले और पाँचवें के बीच के निकालिए तो पाँच में से एक माइनस करिए और पचपन में मल्टीप्लाई कर दीजिए चार की तो दो मीटर हो जाएगी सीधा सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मैं आपको वो समझा देता हूं देखिए इस तरीके से एक दो तीन तो ये हो गई पांच आपकी लाइट लग गई एक ये दो तीन चार पांच ठीक है अब जो इनके बीच में दूरी होगी आप ये बताइए पचपन मीटर यहाँ होगी एक पचपन ही होगी दो पचपन ही होगी तीन और पचपन ही होगी चार यानी कि एक दो तीन चार ये चार से आपको मल्टीप्लाई करनी है पचपन की वो भी तो मैंने अभी यहाँ पे ये यह किया है तो बस एक माइनस करिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए दो सौ बीस मीटर की दूरी होगी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एक पंक्ति में हरीस का स्थान दाएं से बारवा बाएं से सतरवा है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है दोस्तों सीधा सीधा सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका देखिए अगर मैं बात करूँ एक पंक्ति की तो पूरी पंक्ति में जो हरीस का स्थान है वो आपका दाएँ से बारवा है और बाएँ से सतरवा यानी कि इस साइड से तो ये बारवाँ है और इस साइड से ये सतरवा है तो ये वाला स्थान जो है जहाँ पे हरीश बैठा है ये दो बार काउंट हो गया एक बार तो बारवा इस साइड से और एक बार ये सत्रहवा इस साइड से अब आपसे पूछ लिया गया है कि टोटल जो बच्चे हैं इस पूरी लाइन में वो कितने हैं तो आपको सीधा सीधा सा क्या करना है भाई बारह इस साइड से हैं और सत्रह इस साइड से हैं तो बारह प्लस सत्रह करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी नाइन और एक इसमें से माइनस कर देंगे एक माइनस क्यों करेंगे क्योंकि हरीश का स्थान दो बार काउंट हो रहा है एक बार इधर से काउंट हो रहा है और फिर एक बार इधर से भी काउंट हो रहा है तो एक माइनस कर देंगे यानी कि ट्वेंटी एट तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट हो जाएगा तो दोस्तों इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कोई भी समझने की इतनी हार्ड चीज इसमें नहीं थी बस ध्यान एक चीज का रखिएगा जब भी यहाँ पे बोला जाए दाएं और बाएं मैंने कल भी आपको बताया था तो दोनों को प्लस करिए एक माइनस कर दीजिए अगर टोटल बच्चे पूछे जा रहे हैं ठीक है या फिर कुछ और भी कंडीशन है तो दाएं बाएं होते ही आप दोनों को प्लस ही कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए अगर जो बोला जा रहा है दाएं से बारवा है मैंने बारवा यहाँ लिखा और बाएं से ये सतरवा लिख दिया इस साइड से तो बस दोनों को प्लस करिए और ये दो स्थान दो बार ये काउंट हो रहा है एक बार इधर से भी हो रहा है एक बार जब इधर से आते तब भी बारवा बताया गया इधर से आते हैं तो सतरवां बताया गया यानी कि हरीस का स्थान दो बार काउंट हुआ है सॉरी तो इसलिए एक माइनस कर दिया गया तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा चलिए एक क्वेश्चन देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसमें पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी है अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो वीडियो को एंड तक देखिए मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं इस क्वेश्चन को ट्राई करिए उसका राइट आंसर बताइए कुछ एक तो इससे ये पता चलेगा कितने स्टूडेंट एंड तक वीडियो को देखते हैं तो थर्टीन का आंसर अपने नाम लिखने के बाद दीजिएगा यानी कि अपना नाम भी जरूर बताया करें ठीक है हैंशटैग लगा दिया करें हैंश टॉपिक स्टडी कुछ भी आप ऐसा करके बता दिया करें तो समझ में आया तो आप